एक वर्ष हम मना रहे हैं क्योंकि जीवन के कई आयाम हैं। आज हम लोगों ने रामलीला विषय को चुना है, उनका बहुत ही प्रिय विषय है। साल भर रामलीला की तैयारी करते थे, चिंतन करते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि आज इसी विषय पर किया जाए कि रामलीला में लोग क्या अपेक्षाएँ रखते हैं, अब पहले क्या स्वरूप था, अब क्या स्वरूप है, अब कैसा लोग चाहते हैं, इसी विषय पर आज कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें आप कई विद्वानों के विचार सुनेंगे, सभी के अपने अपने विचार होंगे, ये होने जा रहे हैं, इसी विषय में सब चलेगा। आप लोग का आशीर्वाद भी रहा है महाराज जी को, तो कितना याद करती हैं आप लोग इन दिनों पर महाराज जी को? याद उसको किया जाता है जिसको हम भूल जाएंगे, तो याद क्यों करेंगे, तो हमारे हर समय हमारे साथ ही हैं, हम प्रत्येक पल उनका अनुभव करते हैं। हम कुछ भी करते हैं बिना उनके अनुभव के हमें कोई काम नहीं होता है, हम कभी उनको भूल ही नहीं पाते। आज इतने वर्ष बीत गए, लेकिन सबसे तो आपकी रामलीला में बहुत ऐसे भी होता है, जब भी ये हमारे ये सवारी निकलती है रामलीला की, हमारे मुँह से ये नहीं निकलता हम लोग ये कौन जा रहे हैं, हम कह रहे हैं दाऊ जी जा रहे हैं, तो बल्कि अब घर में लोगों ने टोका कि आप क्या कह रही हैं, अभी तक दिमाग से निकला ही नहीं है कि कोई दूसरा जा रहा है। जब भी हाथी आती है, बग्घी आती है, गाड़ी आती है, तो बोलते हैं कि दाऊ जी जा रहे हैं, अब जल्दी देखो उनको, कहते कहाँ, ये तो अनंत नारायण सिंह जा रहे हैं, तब ध्यान आता है कि अब तो वर्तमान में जा रहे हैं, हम महाराज जा रहे हैं।